हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपको दोस्त करण और आज आपके लेके आया हूं नेस्टेरियम का प्लांट। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पे भी एक फ्लोरी खिला है। ये देखिए कितना प्यारा फूल है, येलो कलर। इसमें दो तीन कलर और आते हैं, ज़्यादातर तो इसमें येलो, ऑरेंज और वाइट कलर ही देखा है। ये देख सकते हो आप, इसमें एक और कली बन रही है। ये देखिए इसके पत्ते भी आप देख सकते हैं कितना साइज इनका बड़ा है। ये देखिए आप, और ये वेरीगेटेड वेराइटी है क्योंकि इसके पत्तों में देखिए डिज़ाइन है। और बहुत से लोग कहते हैं इसके पत्तों को सलाद के रूप में भी खा सकते हैं, तो मैंने इसे ट्राई करके देखा था, तो इसका टेस्ट बिल्कुल हल्का सा तीखा स्वाद है और ये मूली जैसा लगता है। ये देख पत्ता, देख पत्ता, देखिए कितना बड़ा साइज है। और इसका कलर, इसे पत्ते का डिज़ाइन देखिए कितना प्यारा है। ये एक लता है, या ये वाइन है, और ये बहुत अच्छा लगता है प्लांट। ये देखिए आप, आज ही मेरे इस पर फ्लोर खिला है। ये देखिए येलो कलर का, इसमें दोनों तीनों कलर मिक्स करके लगाए हुए मैंने। इसमें ऑरेंज भी खिलेगा और वाइट भी कलर है इसमें। ये बहुत प्यारा पौधा है। ये देखिए मेरा गमला, देखिए बड़ा गमला है और ये फुल बुश जैसा हो रखा है, बुशी जैसा हो रखा है। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लोरिंग होएगी, अभी शुरू ही हो रहा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और अब धूप निकलने शुरू हुई है। और एक इसमें मैंने बालसम का प्लांट भी लगा रखा है। ये देखिए बालसम में आप देख सकते हैं एक छोटा कप जैसा फ्लोर आता है, आप इसे देख सकते हो, ये बालसम है। इसमें सीड पॉट भी बनने लगे हैं। ये देखिए सीड पॉट बन रहे हैं इसके, ये बालसम का है। इसमें फ्लोर देखिए आप, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लोरिंग शुरू हुई थी, शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा फ्लोरिंग हुए थे। और एक इसमें मेरे पास एक और प्लांट है, ये देखिए ये प्लांट भी, उसकी भी मैं नेक्स्ट वीडियो उसकी बनाऊंगा। और आप ये देख सकते हैं बिल्कुल हेल्दी प्लांट है, अंदर से आप देख सकते हैं इसको फुल भरा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा फ्लोरिंग करेगा, कल कल में ये भी खिल जाएगा। इसमें मैं डालता हूँ सुपर बूस्टर, मेरा जो बनाया हुआ सुपर बूस्टर, जिसकी वजह से कि सुपर ग्रोथ हो रही है और ये बिल्कुल एक हेल्दी प्लांट लग रहा है, बिल्कुल हेल्दी प्लांट है। इसकी प्रोपगेशन की बात करें तो सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है। इसके सीड्स भी बहुत बड़े बड़े सीड होते हैं, दूसरे सर्दियों के फूलों के बीजों के जैसे इसके बीज बहुत बड़े होते हैं, वो भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और इसकी सॉइल मिक्स की बात करें तो इसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, ज़्यादा हार्डी सॉइल नहीं चाहिए, पानी रुके नहीं, ऐसी सॉइल दीजिए आप इसे। और बढ़िया ग्रोथ के लिए आप इसमें सुपर बूस्टर डालते रहिए, जिसकी वजह से देखिए आप देख सकते हैं इसमें फ्लोरिंग शुरू हो रही है। अगर इसमें फ्लोरिंग भी नहीं हो तो भी इसके लीव्स भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। शुरू शुरू में मुझे पता नहीं था, मैंने पहली बार ही लगाया इसे, तो इसके लीव्स भी मुझे बहुत प्यारे लगे। ये देखिए कलर कितना अच्छा है इनका, मल्टी कलर की है ये, बहुत प्यारे लग रहे हैं। इसमें एक बिल्कुल ग्रीन कलर की भी आती है लीव्स वाला प्लांट, वो थोड़ा नॉर्मल होता है, उसमें फूल का, फूल में पैटर्न नहीं होता, बिल्कुल येलो होता है। इसमें हल्की लाइनें दिख रही होगी आपको, ये देखिए वो बिल्कुल यूँ बिल्कुल प्लेन होता है। इसमें देखिए वाइटिश कलर आता है लीव्स में, देखिए वाइटिश कलर, ऑफ वाइट कलर है, ग्रीन कलर है। तो ये प्लांट भी बहुत हेल्दी है, इसे आप जैसे कोई बड़ी बालकनी में लगाया हो तो बहुत प्यारा लगता है। ये हैंगिंग में भी लगा सकते हैं क्योंकि हैंगिंग में इसकी लीव्स भी बहुत प्यारी लगती है लटकती हुई। और ये प्लांट की बात करें तो आप इसे बड़े पॉट में लगाइए, जैसे मैंने इसी में बहुत बड़े पॉट में लगाया हुआ है। देखिए पॉट देखिए कितना बड़ा है, तो इसमें पूरा ही बुशी जैसा लग रहा है, बिल्कुल फैला हुआ है, फैलाव है, जिसकी वजह से इसमें फ्लोरिंग आएगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें मैंने डिफरेंट कलर के प्लांट और भी लगा रखे हैं। इसमें मैंने लगा रखा है डायंथस, ये देखिए पिंक कलर का डायंथस, ये देखिए इस पर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लोरिंग हो रही है। इसकी सॉइल मिक्स बहुत अच्छी है, इसमें सुपर बूस्टर डालता है तो जिसकी वजह से आप देखिए फ्लोरिंग कितनी हो रही है। ये देखिए भरा पड़ा है फ्लोरिंग से, अगर इसमें पूरा डायंथस होता तो भी बहुत प्यारा लगता। और ये नेस्टेरियम है, इसकी वजह से ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए खा भी सकते हैं आप, लेकिन ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि मेरे को तो अजीब लगे थे, लेकिन कोई कोई लोग कहते हैं खा सकते हैं। इसके आप हेल्दी ग्रोथ की करने के लिए आप इसे फुल सनलाइट में रखिए। मैं इसे सुबह की 4-5 घंटे की अच्छी धूप देता हूँ, और अभी शाम के टाइम इसे धूप नहीं दे रखा हूँ क्योंकि ज़्यादा इसको धूप चाहिए नहीं। इंडोर भी अच्छा लगता है, वैसे इंडोर में भी आपको फ्लोरिंग कर सकता है अगर आप इसे बिल्कुल रूम के अंदर लगाएं। तो इसमें आप फ्लोरिंग का निकलने का देखो स्टाइल देखिए आप कैसा है, ये देखिए आप, यूँ लगता है ये चिपका हुआ है इसके बस। ये देखिए बहुत प्यारा फूल लगा मेरे को इसका, पहली बार मैंने घर में लगाया है, बहुत प्यारा कलर लग रहा है इसका। इसमें ऑरेंज कलर भी है, इसमें वाइट कलर भी है, अभी दोनों खिले नहीं है, आज पहला फ्लोर खिला, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। मैं इसमें वही सुपर बूस्टर डालता हूं जो मैंने जरबेरा प्लांट में दिखाया था। मेरे पास कुछ और भी प्लांट्स भी हैं, देखिए ये देखिए मेरे पास जूही बेल है, जूही क्रीपर, इस पर देखिए अभी कली बन रही है, इसने बहुत ज़्यादा फ्लोरिंग करी जब मैं इसे लेकर आया था। तो मेरे पास जेरेनियम प्लांट भी है, ये देखिए, लेकिन इस पर अभी फ्लोरिंग शुरू नहीं हुई। इस पर मैं भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।